हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखें ताकि आपको समझ में आ सके। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप लाइक करना यार दोस्तों भूल जाते हो यार। लाइक कर दो ना, एक छोटी सी क्या जाता है आपका, छोटी सी एक लाइक तो बनती है दोस्तों। और हाँ, आप शेयर करो, आपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूले। आज का इस टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीकॉम सेम फॉर टैक्सेशंस के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ आपको, आप ध्यान से सुने। आप ये वीडियो तो आप देख लेते हैं लेकिन इसको लाइक कर दे, लाइक भी चलो ठीक है लाइक भी कर देते हो आप, पर अपने दोस्तों के शेयर नहीं करते। सिर्फ खुद ही देख लेते हो लेकिन अपने दोस्तों को बताना सही नहीं समझते आप। तो मैं आपसे एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने दोस्तों को, आपका कॉलेज का ग्रुप होगा, आपका जो भी सर्कल होगा, उसमें आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों भी जान सके इस वीडियो के बारे में। आप तो सिर्फ आपके कॉलेज फ्रेंड हो गए होंगे ना, आपके क्लासमेट हो गए, उनको भी आप बताएं। उनको तो भी नहीं आता होगा आपकी तरह, वो भी गुल्ली मारते होंगे कभी कैंपस में बैठा करते होंगे आप। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ बीकॉम आज का इस टॉपिक है बीकॉम सेम फोर टैक्सेशंस के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज का इस टॉपिक टैक्सेशंस का। चैप्टर वन के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। टैक्सेशंस का चैप्टर वन, धंधों के व्यवसायनी आवक, और उसका सम नंबर है 10। ठीक है, तो मैं आपको इसका सबसे पहले एक फॉर्मेट बता देता हूँ कि आपको किस तरह कैसी तरह फॉर्मेट बनाना है। सिंपल से आपको एक विकेट लिखनी है, एक रकम लिखनी है, एक आवक और एक नीचे जावक। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये शुरुआत की बाकी है उसको हम नहीं लेंगे। शुरुआत की बाकी अगर हम कैश बुक मतलब कैश का लेजर बनाते हो तो हम शुरुआत की बाकी लिखेंगे, वरना हम अब तो अभी हमें ढूंढना है व्यवसायनी कर पात्र आवक, हमें ये ढूंढना है। तो इसमें तो हम कैश कैश का लेजर बनाएंगे नहीं, कैश का खाता बनाएंगे नहीं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपने को दिया हुआ है ऑपरेशनी आवक। ऑपरेशनी आवक हमें यहाँ पर दी हुई है 6 लाख, तो हमने यहाँ पर लिख लिया ऑपरेशनी आवक 6 लाख। इसके बाद हमें यहाँ पर दिया हुआ है इसके नीचे कंसल्टेंट फी 5 लाख, तो हमने यहाँ पर लिखा कंसल्टेंट फी 5 लाख। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर दिया हुआ है दवानु वेचाण 40,000, हमने लिख लिया दवानु वेचाण 40,000। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर लिखा हुआ हॉस्पिटल नी आवक 3 लाख, हॉस्पिटल नी आवक 3 लाख। इसके बाद विजिट फी हमें यहाँ पर दी हुई है 50,000, विजिट फी हमने यहाँ पर लिखी 50,000 विजिट फी। इसके बाद साधनों का वेचन ये भी नहीं आएगा, सिर्फ व्यवसाय के लगती जो भी इनकम है वही हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, बाकी एक्स्ट्रा जो भी होगे उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, दर्दियों तरफ से बख्शीश ये हम लिखेंगे क्योंकि ये व्यवसाय के लगती है। दर्दी मतलब ये व्यवसाय किसका है, हमारा डॉक्टर का व्यवसाय है, ये डॉक्टर का व्यवसाय है, तो इसमें दर्दी की जो भी होगी, दर्दी तरफ से जो भी बख्शिश होगी उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया दर्दी तरफ से बख्शिश कितनी है 15,000। ठीक है, ये सब का हमने यहाँ पर टोटल कर लिया, सबको हमें यहाँ पर प्लस करना है 15,05,000। इसमें से हमें ये जावक जो भी है उसको हमें यहाँ से माइनस करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है स्टाफ पगार, स्टाफ पगार है 10,50,000। ये 10,50,000 यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें से यहाँ पर एक
नोंद हमें दी हुई है कि स्टाफ पगार में से पत्नी का पगार 30,000 है, तो पत्नी का पगार तो हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसमें से स्टाफ पगार में से हम यहाँ पर 30,000 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 10,20,000। इसके बाद हॉस्पिटल बीमा 30,000, हॉस्पिटल का बीमा 30,000, मैगजीन 25,000, हॉस्पिटल का बीमा 30,000 लिख लिया, मैगजीन की खरीदी 25,000 लिख ली। इसके बाद दवा की खरीदी, ये भी आएगी, इंक्लूड होगी खरीदी, दवा की, अगर दवा की खरीदी और दवा का वेचन ये आएगा, लेकिन साधनों का वेचन नहीं आएगा, ठीक है। दवा की खरीदी हमने यहाँ पर लिख ली 60,000, दवा की खरीदी 60,000। इसके बाद ये साधनों की, साधनों की खरीदी ये इसको हम नहीं लेंगे। इसके बाद हमें दिया हुआ व्यवसाय वेरो 3,000, एम्बुलेंस खर्च 1,37,000, कॉन्फ्रेंस भी 20,000, व्यवसाय वेरो 3,000, एम्बुलेंस खर्च 1,37,000, कॉन्फ्रेंस भी 20,000। इसके बाद हमें यहाँ पर मोटर खर्च दिया हुआ है, मोटर खर्च 40,000। इसके लिए यहाँ पर हमें एक नोंद दी हुई है, मोटर कारनों खर्च 1/4 वपराश अंगत हेतु माटे छे, मतलब चार भाग में से एक भाग अंगत उपयोग का है और 3 भाग धंधे की व्यवसाय में होता है, तो हम ये मोटर खर्च है उसमें से ये आपको यहाँ पर देखता होगा, ये 40,000 की मोटर कार थी, उसमें से एक चतुर्थांश भाग हमने यहाँ अंगत उपयोग के लिए लेते हैं, तो वो हम यहाँ से निकाल देंगे और 40,000 × 3/4, तो हम यहाँ पर ये 30,000 मिल जाएगा। इसके बाद ये हमने जो भी, ये लास्ट हमारा था मोटर खर्च, इसके बाद हमने जो भी साधन वगैरह खरीदे होंगे वो उसके लिए एक नोंद यहाँ पर दी हुई है, साधनों की शुरुआत बाद कीमत 25,000, घसारा बाद कीमत 25,000, घसारा नो डर 20%। तो साधनों नो घसारो, ये पहले तो एक में अपने देखते हैं साधन कितने के थे, ये साधनों घसारो, इसके लिए हमें यहाँ पर एक देखना है, शुरुआत की बाकी हमारी यहाँ पर 25,000 थी, साधनों की हमने जो खरीदी करी थी वो 1,80,000 थी, और जो साधनों का हमने जो वेचन किया था वो 10,00,000। तो 25,000 प्लस 1,80,000 माइनस 10,000, तो यह हमारा 1,95,000 आया। इसमें से 20% हमें घसारा माइनस करना है, 20% मतलब इसका 20% हमारा घसारा 39,000। तो देखिए 1,95,000 मतलब ये 39,000 यहाँ पर आ गया। इसमें से जो भी रकम थी 5,05,000, उसमें से हमें ये माइनस करना है, जितनी रकम यहाँ पर ये जितनी भी रकम थी ये सब हमें माइनस करते करते हुआ आना है, तो लास्ट में हमारा आंसर ये बचेगा 1,41,000, ठीक है। इस पे हमारा टैक्स लगेगा, व्यवसाय वेरो इस पे हमारा लगेगा, ठीक है दोस्तों। ये कुछ आपके लिए छोटी सी वीडियो थी आपके लिए, ये वीडियो कैसी लगी आपको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाजू में आते बेल आइकन को भी दबाएं। आने वाले समय में आप वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी दबाओ ना, फिर क्यों ऐसा कर दो। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।